स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। आइए, आज का जो टॉपिक है वह बिसर संधि है। बहुत कम समय में छोटा सा वीडियो है, आप लोगों को बस देखना है, रटना नहीं है, न तुक्का मारना है, बस खाली हल्का सा समझना है बिसर संधि को कैसे आसानी से याद कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि बिसर संधि बिसर के बाद कोई स्वर हो या व्यंजन हो, इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें तीन प्रकार है, यानी विसर्ग संधि तीन प्रकार का। नंबर एक है सत्व संधि, नंबर दो है उत्तु संधि और नंबर तीन है रुत्व संधि। ध्यान रखेंगे, यह नाम सिर्फ संस्कृत में काम करता है, हिंदी में सिर्फ विसर्ग संधि पहचानना होता है। तो कितना सटीक तरीके से आप लोगों को हम विसर्ग संधि बता रहे हैं, ध्यान देंगे आ जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें आपको पहले ध्यान रखना है सत्व संधि, नंबर एक है सत्व संधि। इसमें याद रखना यह है कि विसर्ग अगर आए, विसर्ग के बाद वर्ग का कोई भी वर्ण आए, वर्ग का कोई प्रथम प्रथम वर्ण, ये याद रखना है। यानी कौन वर्ण का प्रथम वर्ण हो सकता है? क, च, ट, त, प, कोई भी आता है। तो ध्यान रखेंगे, इस विसर्ग के साथ इनमें से कोई भी मिलता है तो बस आपको तीन स होता है, तीनों में से कोई एक को बैठा लीजिएगा, लेकिन जो सही होगा यह सही आपको निर्धारित करना है, यानी शुद्धता के आधार पर। कैसे? जैसे आपको दिखाई देगा नमः धन ते, यानी ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, विसर्ग आया है, इसी को अब तीनों में से कोई एक बैठाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे नमस्ते। यानी अगर आधा सा कहीं दिखता है तो तुरंत समझ लीजिएगा, जैसे ऐसे दिखाई दे हरि धन चंद्र, तो जैसे विसर्ग आए पहला अक्षर आए इसे स बना लीजिए, ये ऐसे हो गया और इधर हो जाएगा हरिश्चंद्र। यानी यह सटीक एकदम है, उसी तरह स का, जैसे धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, यानी षटकोण स। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही नमस्कार, ऐसे ही पुरस्कार, ऐसे ही दुष्कृत दुष्कर्म, यह इसी का उदाहरण है। बस आपको सटीक तरीके से जानकारी करना है। दूसरी संधि ध्यान रखेंगे, दूसरी संधि उत्तु संधि है, जो गुण संधि की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें बस आपको याद रखना है कि गुण संधि में और उत्तु संधि में क्या अंतर है। तो दूसरा है उत्तु संधि, इसमें आपको ध्यान रखना है ये ओ की मात्रा इसमें दिखाई देता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए सत्व संधि में कौन वर्ण होते हैं तो सभी आधा स होते, तीन आधा स है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर उत्तु संधि की बात करते हैं तो ओ मात्र हो, विसर्ग होगा प्लस वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या, ये भी हो सकते हैं, या अंतस्थ वर्ण भी आ सकता है। अंतस्थ वर्ण में कौन सा वर्ण है? तो अंतस्थ वर्ण में यर लव या ह आता है, यानी इतनी में से कोई वर्ण आए तो समझ लेंगे कि यह वो बन जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ वर्ण या ह। जैसे एक उदाहरण बताएंगे, बाकी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको दिखाई देगा मन धन हर, यही ह आया है, यानी यही ओ की मात्रा में बदलेगा और हो जाएगा मनोहर। इसी तरह से मनोरथ मनोज सरोज, इसी तरह यशोदा, जैसे ही ओ की मात्रा आए और दिखाई दे तीसरा चौथा पांचवा, जैसे यशोधरा यशोधन, इस तरह का जो भी आए यशोगान, तो तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण, जैसे मन धन योग मनोयोग, इस तरह से मनोविकार मन धन विकार, यानी आपको पता चलेगा, देखने से पता चलेगा। तो बहुत सटीक एकदम नियम हम आपको बता रहे हैं, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, कभी तुक्का नहीं लगाना होगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए
अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ट्रिक अच्छा लगे, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, हम इसी पर प्रैक्टिस सेट भी बताते रहेंगे और आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो सिस्टम से तरीके से एकदम बताते रहेंगे। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा नाम है रुत्व संधि, यानी अब यह नियम ऐसा चलता है जो दोनों को छोड़ करके जो बचता है वह रुत्व संधि में आ जाता है। इसमें र या तो पूरा दिखाई देगा या तो आधा दिखाई देगा। र अगर पूरा दिखता है तो इसका मतलब विसर्ग के साथ कोई स्वर है, और यदि आधा दिखता है तो विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण है। बस यही ध्यान रखना है। यानी अब आपको कैसे दिखाई देगा, जैसे अगर आपको दिखता है दुर्गम तो इसका मतलब कि आधा है, इसका मतलब क्या करना है, इसे दूह धन गम कर लेना है। जैसे कहते हैं पुनरावृत्ति, ऐसे दिखाई देगा पुनरावृत्ति, आपको पूरा रा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इधर विसर्ग कर लेंगे, इधर आ की मात्रा है, आ की मात्रा दिख रहा है, इसी के साथ हम जोड़ लिए आवृत्ति, इधर हो गया पुनः, यानी पुनः धन आवृत्ति। इसी तरह से आशीर्वाद, आशी धनवाद, यानी ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आशीर्वाद। अब यहाँ क्या करना है, आशी विसर्ग लगा लेना है, ठीक, इसके बाद बाद कर लेना है। अब इस पर आपको खाली प्रैक्टिस करना है, और यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे लिंक पर व्हाट्सएप नंबर उस पर पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रतिदिन हिंदी प्रभात नाम से टेलीग्राम है, हिंदी प्रभात नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है और पेज है हिंदी प्रभात, सब पूरे हिंदी प्रभात के नाम से है। आप किसी पर जुड़िए और हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। हम आप भले आपको लग रहा हो कि स्वार्थ में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ तो है, यह स्वार्थ है कि हम अधिक से अधिक लोगों को अपनी बात पहुंचा सकें, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा दे सकें, बस हमारा यही लक्ष्य है। बाकी अगर हम आपके लिए करते हैं तो आप हमारे लिए करेंगे, तो यह बहुत अच्छी बात है। यह सामाजिक प्रक्रिया है, समाज की प्रक्रिया ऐसा कि हम आपके लिए करें, हम आप हमारे लिए करें, बस यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। बस इसी के साथ हम अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।